Hello dear students, welcome you all again in this lecture session. This is Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Felt and Horticultural Crops and their Management Part Two. In this lecture, I am going to discuss about one another fruit crop disease and that is apple. So today, I am going to discuss about diseases of apple apple is very important fruit crop in india and all over the world which is affected by various pathogens. it may be fungus it may be bacteria or it, it may be virus and nematode and so on but today i am going to discuss about very important diseases which occurs in india every year in apples orchard so let's start they are applescape and fireblight. Applescape caused by a fungus called venturia inequalis and fire blight is a bacterial disease which is caused by Erwinia amylovora. First, I am going to discuss about the applescape. <coughs> so applescape first time reported from Sweden in 1819 and first time reported in कश्मीर वैली इन अमरी वाइटी विच इज अकर्ड इन नाइनटीन थर्टी फाइव इट इज़ ऑल्सो अकर्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर एप्पल्स आर ग्रोन एंड दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स एज अ ग्रोअर ग्रोअर सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स इस डिसीज़ में सिम्टम्स आपको लीव एंड फ्रूट दोनों में ही देखने को मिलते हैं फर्स्ट

डेवलप होने लगती है ये जो सिम्टम्स होते हैं ये स्पॉट्स होते हैं ये डार्क होने लगते हैं एंड ब्लैक कलर के सर्कुलर स्पॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि लीफ के अपर सरफेस पे दिखाई देती है इसी अपर सरफेस की लीव्स में स्पॉट्स जो होते हैं धीरे धीरे वेलविटी होने लगते हैं वेलविटी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगते हैं एंड इनका जो स्पॉट्स का सरफेस एरिया है वो धीरे धीरे डिसीज़ डेवलपमेंट के साथ साथ इनका एरिया भी बढ़ता जाता है मीन्स अगर उनका एरिया बढ़ रहा है मतलब मोर नंबर ऑफ़ सेल्स भी इन्फेक्ट होते जा रहे हैं और इस तरह से जो मोर नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ हैं प्लांट का वो इन्फेक्ट होते जा रहा है और सिम्टम्स पूरी लीफ में आ, बढ़ते जा रहे हैं और जितने सारे स्पॉट्स उसमें बनेंगे उतने ही ज़्यादा वो सारे स्पॉट्स आपस में कोलैस हो जाने से पूरा का पूरा लीव सरफेस कवर हो जाता है सिम्टम्स के कारण स्कैप लीव्स uh, के अलावा फ़्लावर्स में भी इन्फेक्ट करता है जब फ्लावर इन्फेक्ट होती हैं तो वो सडनली फ्लावर में ड्रॉपिंग का इन्फेक्शन कॉज करता है यानी कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं जो पेटल्स होते हैं वो गिरने लगते हैं देन हम देखते हैं सिम्टम्स फ्रूट्स पे कि हाउ इट अपीयर्स ऑन द फ्रूट सो बेसिकली जो फ्रूट्स में शूट्स होते हैं उनमें ये सिम्टम्स एज अ स्केवी स्पॉट्स के रूप में स्टार्ट होते हैं विच इज़ बिगिन ए शूटी शूटी मीन्स कलर्ड लाइक शूट्स एंड स्टार्टिंग में ये शूटी कलर होते हैं बट ये स्कैब्स के जो स्पॉट्स होते हैं धीरे धीरे उसमें ग्रेश ब्लैक लीजन फॉर्म होने लगते हैं एंड जब इसमें ग्रेस और वाइट uh, ग्रेस और ब्लैक लीजन जब फॉर्म होने लगते हैं आप देख सकते हैं इस इमेज में कि इसके सेंटर में ब्लैक के स्पॉट देखने को मिल रहा है जबकि जो इसका आउटर सरफेस है यानी कि इसका मार्जिन है इसमें रेडिश या फिर वाइट हॉलो बनता है हॉलो प्रोड्यूस होता है जो कि इस सिम्टम्स का सबसे कैरेक्टरिस्टिक पहचान है देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रूट के में सिम्टम्स के अलावा और क्या होता है जब फ्रूट में स्कैबी सिम्टम्स आते हैं तो ये स्कैबी uh, के साथ साथ जो लीजन्स होते हैं बाद में धीरे धीरे जो स्कैबी लीजन्स होते हैं ये धीरे धीरे सनकेन होने लगते हैं सनकेन में कन्वर्ट होने लगते हैं एंड टैन होने लगते हैं साथ ही साथ कभी कभी हम स्पोर के फॉर्मेशन को इनकी मार्जिनस पे भी देख सकते हैं एवं जो इन्फेक्टेड फ्रूट रहते हैं वो डिस्टॉटेड होने लगते हैं उनमें क्रैक्स आने लगती हैं और इन क्रैक्स की वजह से सेकेंड्री ऑर्गेनिज्म बहुत ही ईजिली फ्रूट में एंट्री करने के लिए अलाउ कर जाता है क्योंकि फ्रूट्स में क्रैक्स आ चुके हैं फ्रूट फट चुका है साथ ही साथ जहाँ पे स्कैबी लीजन फॉर्म होते हैं उनके जस्ट नीचे का जो पल्प होता है उनके नीचे का जो टिश्यू होता है उनमें रॉटनिंग आने लगती है और सीवियर अफेक्टेड यंग फ्रूट जितने अगर सीवियरली जो यंग फ्रूट हैं वो सीवियरली इन्फेक्ट होते हैं तो कभी कभी फ्रूट मेच्यर होने से पहले ही पेड़ से गिरकर अलग हो जाता है तो इस तरह से यह डिसीज़ ग्रोवर्स ग्रोअर्स के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें एप्पल की फार्मिंग में उसके उत्पादन में कमी आती है सो so, ये था इस डिसीज़ का सिम्टम्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके पैथोजन सो हियर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन स्कैब एसेक्शुअल एंड सेक्शुअल सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यू स्पेलोशिया पोमाई फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है इन परफेक्ट स्टेज के लिए एंड परफेक्ट स्टेज में वेंचूरिया इनक्वेलिस पैथोजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जो कि इस पैथोजन का मेन रिप्रोडक्शन है सो इम परफेक्ट स्टेज में कोनिडियल स्टेज जिसे हम कोनिडियल स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोनिडिया प्रोड्यूस होता है सो so, यह एक पैरासाइट है जो कि लिविंग होस्ट में सर्वाइव करता है एंड जो कोनिडियो इसमें क्वनीडियो फोर एंड क्वनीडिया प्रोड्यूस होते हैं क्वनीडिया बेसिकली इसमें ब्राउन कलर के होते हैं और कंटिन्यूसली एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं बट इनमें जो सेप्टेशन है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है तो बेसिकली जो कनेडियो फोर होगा आपका ब्राउन और कंटिन्यूस होगा देन जो कनी uh, कुनीडिया क्नेडियो फोर के टिप पे प्रोड्यूस होता है एंड ये कुनीडिया या तो फिर ओवेट शेप के होते हैं या फिर लेंसोलेट शेप के होते हैं इनका, तो है। इनका शेप या तो ओवेट होगा या फिर लेंसोलेट शेप का हो रहा होता है या फिर ये वन सेल्ड और टू सेल्ड के भी होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें इस वाले क्वनीडिया में टू सेल्ड है ओके तो ये जो टू सेल्ड है इनका बेस जो होता है वो चूनिकेट होता है और इनका जो एपेक्स होता है वो पॉइंटेड है आप देख सकते हैं कि इसका जो एपेक्स है वो पॉइंटेड है यानी इसका बेस है इसका चूनिकेट इसके अलावा क्नीडिया को क्वनीडिया का मेजरमेंट अभी तक ट्वेल्व टू ट्वेंटी टू इंटू सिक्स सिक्स टू नाइन माइक्रोमीटर तक देखा गया है जो इसकी एक्चुअल मेजर्स है इनसे जो कुनीडिया है इनके बीच में या इनसे कम भी हो सकता है बट इनसे ज़्यादा उनका साइज नहीं जाता तो ये था इम परफेक्ट स्टेज ऑफ स्कैब नेक्स्ट है इसका परफेक्ट स्टेज परफेक्ट स्टेज जो कि कॉज होता है वेंचूरिया इनक्वेलिस के थ्रू इन, वेंचूरिया इनक्वेलिस पैथोजन इसमें रिप्रोडक्शन करता है जो कि एक सेप्रोफाइट है बट डेड टिश्यू में भी यह डेड टिश्यू में भी यह ग्रो कर सकता है सो परफेक्ट स्टेज में पैरीथीशियम प्रोड्यूस होता है और एक सिंगल पैरीथीशियम पचास से सौ एस्कस प्रोड्यूस करता है पैरीथीशियम का जो बेसिक सेप uh, होता है वह फ्लास्क शेप का होता है यानी कि इसका आप देख सकते हैं पेरि, ये पैरीथीशियम है फर्स्ट इमेज में पैरीथीशियम ये पैरीथीशियम का जो सेप है ये एक फ्लास्क शेप का है और इनके अंदर कि जो वाइट पोशन इस पोशन में आप एस्कोस एस्कस डेवलप होते हैं टोटल टोटल नंबर ऑफ़ एस्कस फिफ्टी टू हंड्रेड के बीच के हो सकते हैं ना तो पचास से कम एस्कस का फॉर्मेशन होगा ना हंड्रेड से ज़्यादा मोस्टली या तो फिफ्टी या तो हंड्रेड या तो उनके बीच के एस्कस नंबर ऑफ एस्कस प्रोड्यूस होते हैं ये एस्कस कंटेन करते हैं एस्कोस्पोर जो एस्कस होता है उनका जो बेसिक शेप होता है वो होलॉन्गेटेड होते हैं आप देख सकते ये सेकेंड इमेज है सेकेंड इमेज में इसमें एस्कस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है सो so, जो एस्कस होता है या फिर जिसे हम एसआई SI भी कहते हैं एस्कस का स्ट्रक्चर एलोंगेटेड होता है और लाइक uh, स्ट्रक्चर -like साथ में साथ इलाट इलांगेशन के साथ साथ इसमें थोड़ा लाइक स्ट्रक्चर -like भी पाया जाता है एंड एक सिंगल एस्कस एट एस्कोसपोर को लीनियर अरेंजमेंट में कैर प्रोड्यूस करती है यानी कि एक सिंगल एस्कस के अंदर कितने एस्कोसपोर हैं आठ एस्कोसपोर वैसे भी हमेशा पैथोजिन uh, कोई भी हो हमेशा उसमें कितने आठ एस्कोसपोर ही प्रोड्यूस होते हैं बट वेंचूरिया इनक्वेलिस वेंचूरिया इनक्वेलिस जब uh, जो एस्को स्पोर प्रोड्यूस करती है वो मोस्टली टू सेल्ड होते हैं जिन्हें टू आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक सिंगल एस्कस है ना टू सेल्ड का है यहाँ पे तो टोटल uh, एक सिंगल एस्कस के uh, एस्कोस्पोर जो होता है वो कितना हो जाएगा टू सेल्ड का होगा एस्कस का शेप कैसा है एस्कस एक एलोंगेटेड uh, है और ओवल टू बोर्ड शेप का होगा हाई लाइन होगा या लोइ होगा कलर में या फिर ऑयलविशियस होगा आप देख सकते हैं कि इसमें एस्कस का कलर या तो येलोइश येलोइश भी हो सकता है और या फिर ऑयलविशियस कलर का भी होता है सो so, ये टू सेल एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं ये एस्कोस्पोर स्पोर्ट ने बेसिकली ब्राउन कलर के होते हैं आप इमेज में देख सकते हैं कि इनका जो सेल है बहुत ईजिली ब्राउन कलर में देखने को देखने से समझ आ रहा है तो जो इसके एस्कोस्पोर होते हैं वो ब्राउन होते हैं और इनकी वॉल थिक होती है साथ ही साथ ये कैसे होते हैं टू सेल स्पोर्स होते हैं और मोस्टली uh, एस्कोस्पोर का मेज़रमेंट अभी तक फाइव टू सेवन माइक्रोमीटर चौड़ाई एंड इनकी लंबाई एलेवन टू फिफ्टीन माइक्रोमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है और पैथोजिन का एक स्पेशल uh, कंडीशन है कि इसका नाम इसके स्पोर के स्ट्रक्चर के नाम पे रखा गया है क्योंकि एस्कोस्पोर में जो टू सेल्ड जो टू सेल है एक सिंगल एस्कोस्पोर टू सेल का होता है तो ये जो टू सेल्ड होते हैं इनका साइज़ एक नहीं होता ये अन ईवन होते हैं अन एकक्वल साइज़ के होते हैं और वेंचूरिया इन इक्वेलिस इन इन एक का मीनिंग होता है अन ईवन साइज और अन और नॉट इक्वल साइजेस इसीलिए इसका नाम है वेंचूरिया इन इक्वेलिस सो इन इक्वेलिस एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से इसका नाम रखा गया है क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो सेम साइज़ में नहीं होते सो so, इसीज़ की खास स्पेशलिटी होती है कि इनका जो सेल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एक समान नहीं होते सो so, एस्को इस तरह से उसका स्ट्रक ये था परफेक्ट स्टेज एंड इम स्टेज ऑफ स्कैब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डिसीज साइकिल सो डिसीज साइकिल में एक्सप्लेन करने से पहले हम इसका प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन देख लेते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें एस्कोस्पोर के द्वारा होता है जो कि शिडोथशिया uh, के अंदर फॉर्म होता है और लीफ लीटर में सर्वाइव करता है या तो वो सॉइल में भी सर्वाइव कर सकता है या फिर वह प्लांट सॉइल में सॉइल में सर्वाइव कर सकता है या फिर सॉयल के सरफेस पे क्योंकि ये लीफ के लिटर पे है देन सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो विनबॉर्न क्नीडिया के द्वारा होता है तो बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन आपका एस्कोस्पोर के द्वारा हो रहा है एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन विनबॉर्न क्नीडिया के द्वारा हो रहा है सो so, अब डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे इन्फेक्शन स्टार्ट करता है कैसे इसका डिसीज साइकिल है कैसे इसमें कंटिन्यूसली uh, डिसीज का जो चक्र है वो चलता रहता है सो so, जैसे कि मैंने पहले बताया इसका प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ से हो रहा है पैरीथीशिया में एस्कस के डेवलप होने से जो कि ओल्ड लीफ पे या फिर लीफ लिटर पे सर्वाइव कर रही है और ये कहाँ पे होंगे ग्राउंड सरफेस पे होंगे या फिर हो सकता है प्लांट के ही पेड़ के ही किसी पार्ट में ओल्ड लीफ झड़ के वहाँ पे रुक जाने की वजह से हों वहाँ पे जो सीडोथीशिया है या फिर इन्फेक्टेड ऑलरेडी जो प्लांट है उनके लीस पे श्यूडोथीशिया एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करती है और वह सुसुप्ता अवस्था में यानी कि डॉर्मेंट पीरियड में रहता है देन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है यानी कि जैसे ही विंटर सीजन आता है तो फंगस क्या करता है अपनी फ्रूटिंग बॉडीज़ यानी कि शुरोथीशा या पैरीथीशा प्रोड्यूस करता है और पैरीथीशा में प्रोड्यूस होता है एस्कोस्पोर तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस मोस्टली वो भी स्प्रिंग के सीजन में होती है जैसे कि एस्कस जो आपका थीशा था फ्रूटिंग बॉडी थी वो विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन जो एस्कस होता है वो स्प्रिंग के बीच में प्रोड्यूस होता है और जैसे ही स्पोर्ट मेच्योर होने लगता है वह स्पोर मेच्योर होने लगता है तो एस्कस क्या होता है बर्स्ट हो जाता जिस रिलीज है जिसमें से एस्को स्पोर रिलीज़ होते हैं ये एस्को स्पोर अगर रेनी पीरिय रेनी पीरियड के टाइम में क्या करते हैं ये एस्को स्पोर रेनी पीरियड के टाइम पे विंड या फिर वेट कंडीशन के द्वारा ज़्यादा वो, वो मॉइस्चर होने के कारण जल्दी डेवलपमेंट करते हैं और रेन वाटर रेन वाटर के थ्रू ये पेटल्स पे या फिर सॉरी फ्लावर पे अगर ये लैंड कर जाते हैं इनके जो स्पोर होते हैं वो फ्लावर सरफेस पे या फिर आपके लीफ सरफेस पे लैंड करते हैं तब यहाँ पे वो क्या करते हैं पेन्यूट्रेशन करते हैं पेन्यूट्रेशन करते हैं जर्म ट्यूब की हेल्प से जो कि एस्कोस्पोर से प्रोड्यूस हुआ है सो एस्को स्पोर यहाँ पे सरफेस पे अडेयर होके जर्म ट्यूब के थ्रू पेनिट्रेशन करता है एंड देन पेनिट्रेशन के द्वारा वो डेवलप करता है यहाँ पे क्नीडिया जहाँ पे क्वनीडिया डेवलप हो रहे हैं अब ये क्वनीडिया यहाँ पे डेवलप हो गया तो क्निडिया डेवलप होने के साथ साथ प्लांट में जो लीव्स ऑन फ्रूट में जो स्कैप के सिम्टम्स है वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे जैसे क्नीडिया मेच्योर होने लगता है वो क्नीडियोफोर्स से डीअैच हो जाते हैं या फिर जो या फिर हो सकता है वो ए सिंपली खुद से अटैच हो जाए या फिर आ, विंड विंड के हेल्प से या फिर एयर के प्रेशर के हेल्प से वो अपने कुनेडियो फोर से रिलीज हो जाते हैं और ये कुनेडिया एयर के थ्रू फिर से किसी हेल्दी प्लांट में या सेम प्लांट के हेल्दी पार्ट पे लैंड करके फिर से इन्फेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो कंटिन्यूसली एक ही चैन में चलता रहता है तो ये था इस डिसीज़ का फेवरेबल सॉरी डिसीज़ साइकिल साथ ही इसका जो फेवरेबल कंडीशन होता है वह होता है रेन विथ सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ लीफ लीफ फेटनेस जो कि मैंने आपको डिसीज साइकिल में पहले बताया था साथ ही साथ इस डिसीज़ के ला के एक फेवरेबल टेम्परेचर है आ, जिसका जो कि सिक्स टू ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस के बीच में लाइक करता है तो ये टेम्परेचर इनका फेवरेट कंडीशन है जो कि डिसीज डेवलपमेंट में हेल्प करता है अब नेक्स्ट है डिसीज़ का मैनेजमेंट सो so, इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिस का यूज़ करते हैं लाइक कल्चरल प्रैक्टिस और केमिकल uh, प्रैक्टिसेस और हम रेसिस्टेंट वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं सो uh, so, पहला सबसे पहले हम कभी भी हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस बनाते हैं तो हम डिसीज़ की हैबिट हैबिचल uh, कैसा है वो कैसे फील्ड में एंटर कर रहा है या फिर फील्ड में कहाँ पे रहता है तो इन सब चीज़ को जानने के बाद हम उसका मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत ही ईजिली बना सकते हैं एज वी ऑल नो कि ये कहाँ रहता है ये फॉलिंग लीफ पर सर्वाइव करता है लीफ लीटर पर सर्वाइव करता है तो हमेशा हमें सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए हमारा जो ऑर्चिड होगा फार्मर्स को हमेशा अपने ऑर्चिड को क्लीन रखना चाहिए सैनिटाइज रखना चाहिए उसमें किसी भी तरह के प्लांट डेबरस या फिर प्लांट पेड़ के लीफ नहीं होने चाहिए या फिर पुराने टूटे हुए फ्रूट्स उसमें नहीं होने चाहिए तो इस तरह से हम इस डिसीज़ को फील्ड में आने से रोक सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को सेव कर सकते हैं तो पहला चीज़ जो होगा फार्मर को ये करना होगा कि उसे अपने कल्टीवेशन को क्लीन रखना होगा प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा इसके अलावा रसिस्टेंट वैरायटी ग्रोअर्स रसिस्टेंट वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं तो रसिस्टेंट वैरायटी में ग्रोवर्स इमायरा रेड फ्री ट्रैकिंग एम्ब्रॉयल एम्ब्रिक एंड एम्ब्रिक जैसी वैरायटीयों का यूज़ कर सकते हैं जो कि डिसीज़ के लिए बहुत ही डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिसीज़ को रोकने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं ये था कल्चरल प्रैक्टिस अब हम देखते हैं इसका केमिकल प्रैक्टिस सो हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लान्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे अगर हम अगर हम एक हम उसके स्टेज के आधार पे आ, स्प्रे करेंगे या फिर हम डिसीज जैसे हमें देखने लगे तो हम डिस एप्लीकेशन कर सकते हैं जैसे कि हम कैप्टन डोडिन इनको हम शॉर्ट इंटरवल्स पे जैसे ही पेटल फॉलो होती है उनका सिंगल सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर हम डिफ्लोटॉन और कैप डिफ्लोटॉन का भी ग्रीन बर्ड स्टेज में एप्लीकेशन कर सकते हैं सो ये एक किस टाइप ऑफ स्प्रे था जिसमें हम कैप्टन डोडिन एंड डेफ्लोफोन डिफ्लोटॉन का भी स्प्रे कर रहे थे नेक्स्ट हम इसका एक स्प्रे शेड्यूल भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने इस स्लाइड में बनाया है स्प्रे शेड्यूल में हम डिफरेंट डिफरेंट डेज पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का अप्लाई कर सकते हैं जो फार्मर्स हैं इन टैक्टिक्स को यूज़ करके फिल्म में डिसीज को रोक सकता है डिसीज़ की कंटीन्यू कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं सो so, फर्स्ट स्प्रे हमें देना होगा सिल्वर टिप स्टेज में जिसमें ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट कैप्टाफोल या फिर ज़ीरो पॉइंट थ्री परसेंट कैप्टॉन के सॉल्यूशन का स्प्रे करना होगा देन सेकेंड स्प्रे हमें पिंक बर्ड स्टेज में करनी है जैसे पिंक बर्ड स्टेज आता है सेकेंड स्प्रे करना चाहिए और इसमें हमें कैप्टॉन का ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट और मैनकोजेब का जीरो पॉइंट थ्री परसेंट का सॉल्यूशन यूज़ करना होगा देन थर्ड स्प्रे थर्ड स्प्रे करना है पेटल फॉल स्टेज में पेटल फॉल स्टेज में हमें जीरो पॉइंट फाइव परसेंट सोल्यूशन का कार्बेंडाजीम को स्प्रे करना है देन फोर्थ स्प्रे जो होगा वो थर्ड स्प्रे के दस दिन बाद करना होगा जिसमें ज़ीरो पॉइंट टू परसेंट कैप्टॉन से हम स्प्रेइंग कर सकते हैं तो इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू हम इस डिसीज़ को फील्ड में क्योर कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं तो ये था एप्पल का स्केट सो so, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एप्पल का फाइल ब्राइट के बारे में सो थैंक यू सो मच स्टे सेफ